बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टोटल परफ्यूम्स। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम रिव्यू करने वाले हैं असद बाय लताफा हाउस। काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी, बहुत लोगों के कमेंट्स वगैरह थे और पर्सनली मुझे मैसेज वगैरह भी थे कि फिज़ान भाई असद परफ्यूम का रिव्यू करके आप हमें बताएं। तो असद परफ्यूम पाकिस्तान में शॉर्ट था, आ नहीं रहा था और ये लास्ट मंथ जो है ये टॉप ट्रेंडिंग परफ्यूम था पाकिस्तान का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी पाकिस्तान में, क्योंकि विंटर था और ये विंटर स्पेशल परफ्यूम है और इसके अलावा बहुत बीस्ट फ्रेगनेस है, बहुत अच्छी लास्टिंग और बहुत अच्छी इसकी जो है वो प्रोजेक्शन जो है वो मिलती है। और इसके अलावा ये बहुत अच्छा कलोन था डियोर सवाच एलेक्सर का, शायद इस वजह से भी ये टॉप ट्रेंडिंग में था। और फाइनली ये अवेलेबल है और इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो ये मिल जाएगा, हमारे पास भी अवेलेबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी डिटेल फ्रेगनेंस के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में। क्लोन तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बेस्ट क्लोन है डियोर सवाच एलेक्सर का, और इसके अलावा ये परफ्यूम आप कहाँ से बाई कर सकते हैं इजीली, इसके बारे में, ठीक है? जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें हम इसके बॉक्स की तो बॉक्स जो है वो कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल फ्रंट पे एक गोल्डन कलर का जो है एक लोगो लगा हुआ है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त लग रहा है। नीचे उर्दू में लिखा हुआ है असद, फिर नीचे इंग्लिश में असद और लताफा। बिल्कुल इसके टॉप पे जो है वो EDP 100 ml और नेचुरल स्प्रे आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। इसकी इस साइड पे फिर असद और फिर कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह और कुछ डिटेल वगैरह मेंशन है। इसके नीचे जो है ये बारकोड है और मेड इन जोई है। इसके बिल्कुल टॉप पे भी जो है वो लताफा का मोनो आपको देखने को मिलता है। बॉक्स नॉर्मल बॉक्स है, बहुत ज़्यादा हैवी बॉक्स नहीं है। और अगर हम बात करें इसकी बॉटल की तो बॉटल जो है वो कुछ इस तरह की हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल इसका कैप जो है वो एक ट्राई एंगल शेप टाइप जो है वो इसका कैप हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल कैप के टॉप के ऊपर भी जो है वो बिल्कुल असद और इसके ऊपर जो है ये बिल्कुल एक टाई नुमा एक बनी हुई है, उसके ऊपर भी जो है वो जैसा बॉक्स के ऊपर लोगो था वैसे ही इन्होंने बॉटल के ऊपर भी जो है वो लोगो लगाया हुआ है। इसके नीचे भी जो है वो लताफा का स्टिकर हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इसकी कैप की तो कैप बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, एक नॉर्मल कैप है और बहुत नीट काम हुआ है कैप के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त कैप है। तो बिल्कुल अंदर भी जो है वो इसका जो स्प्रे वाला है वो भी हमें एक गोल्डन कलर का देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये बॉक्स और बॉटल था, अब बात कर लेते हैं इसकी फ्रेगनेंस की। दोस्तों जब भी आप इसे स्प्रे करेंगे ना तो बिल्कुल ओपनिंग में ही आपको एक हल्का सा स्मोकी नोट स्मेल करने को मिलता है, उसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त मिक्स स्पाइसी और वनीला का नोट आपको जो है वो स्मेल करने को मिलता है। स्पाइसी जैसे पाकिस्तान में गर्म मसाला होता है कुछ उस तरह का जो है वो बहुत अच्छा और ज़बरदस्त स्पाइसी फ्रेगनेंस आपको शुरू में ही स्मेल करने को मिलता है। और उसके साथ बिल्कुल थोड़ा सा बैकग्राउंड में बड़ा ज़बरदस्त मिक्स होके एक वनीला का नोट आपको इसमें स्मेल करने को मिलता है। बिल्कुल ओपनिंग वैसी ही है, जब बिल्कुल थोड़ा सा सेटल होता है तो इसमें बड़ा ज़बरदस्त अंबर का और वुडी नोट आपको स्मेल करने को मिलता है। बड़ा ही ज़बरदस्त एक स्वीटनेस के साथ वुडी आपको नोट आता है, जैसे स्वीट वुडी और टोका बीन टाइप फ्रेगनेंस होती है ना, स्वीट वुडी उस तरह की आपको जो है वो फ्रेगनेंस इसमें स्मेल करने को मिलती है। बहुत ज़बरदस्त है, जब बिल्कुल सेटल हो जाता है बेस बन जाती है उसमें ये थोड़ा सा पाउडरी और जैसे लॉन्ग होता है ना स्पाइसी लॉन्ग पाउडरी लॉन्ग और वुडी उस तरह का नोट आपको जो है वो स्मेल करने को मिलता है। थोड़ा सा इसमें जो है वो सैंडलवुड का नोट भी आता है। ओवरऑल फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम इसकी फ्रेगनेंस नोट की बात करें तो दोस्तों इसके जो नोट्स हैं वो मिक्स स्पाइसी है, लॉन्ग है, वनीला है, इसमें अंबर का इस्तेमाल किया गया है और सैंडलवुड का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इसके मेन अकॉर्ड्स की बात करें तो उसमें वार्म स्पाइसी वनीला अंबर पाउडरी और वुडी फ्रेगनेंस आपको जो है स्मेल करने को मिलती है। वैसे ओपनिंग में बिल्कुल आपको मैंने बताया है एक बड़ा ही ज़बरदस्त हल्का सा स्मोकी और स्पाइसी नोट आपको स्मेल करने को मिलता है। और क्लोन की बात करूँ तो क्लोन मैंने आपको पहले बताया है ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त क्लोन बना हुआ है डियोर सवाच एलेक्सर का। वैसे मैंने वो स्मेल किया हुआ है, अगर मैं सिमिलरिटी की बात करूँ तो ये तकरीबन 70-80% तक बिल्कुल सेम आपको वही फ्रेगनेंस आपको स्मेल करने को मिलती है। ओपनिंग बिल्कुल वैसे ही नहीं है, जब बिल्कुल सेटल होता थोड़ा सा
तो बिल्कुल सेम वैसी ही फ्रेगनेस आपको जो है वो ये स्मेल करने को मिलती है, ये जैसे बिल्कुल आपने डियोर से वॉच एलेक्सर लगाया हो। इस वजह से जो है ये दोस्तों बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग में था, और ये विंटर स्पेशल परफ्यूम है, और ये बेस्ट पार्टी वेयर परफ्यूम कह सकते हैं आप, और ये नाइट वेयर के लिए बहुत अच्छी ज़बरदस्त ऑप्शन है और बहुत अच्छे बजट में मिलता है। अगर हम डियोर से वॉच एलेक्सर की बात करें तो वो 50 ml की पैकिंग में आता है आई थिंक, और उसकी प्राइस जो है वो 25,000-30,000 के करीब आपको मिलती है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो 4,500-5,000 की प्राइस में आपको मिलता है, वो भी ETP और 100 ml, और इसकी लास्टिंग आपको आराम से 12 से 14 घंटे तक इसकी लास्टिंग मिलती है। इसकी जो प्रोजेक्शन है दोस्तों वो बहुत अच्छी है, 3-4 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है, बट कमाल का ज़बरदस्त बहुत अच्छी जो है वो इसका सिराज आपको जो है वो इर्द गिर्द और काफ़ी दूर तक जो है वो इसका सिराज जाता है, और लोग पूछते हैं यानी कि सही बीस्ट फ्रेगनेंस है ये, बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगनेंस है ये वाली, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बहुत कमाल की फ्रेगनेंस है, ज़बरदस्त है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, एक बेस्ट ऑप्शन है। और ये जो है ना ये बिल्कुल सही जो जेंटलमैन और मेनली फ्रेगनेंस होती है ना, मस्कुलिन फ्रेगनेंस, वो वैसी फील कराता है आपको, ये ज़बरदस्त लगती है। शायद इस वजह से भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे थी पाकिस्तान में, और विंटर भी था इस वजह से भी ट्रेंडिंग में थी, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, एक बेस्ट ऑप्शन है। प्राइस इसकी 4,500-5,000 की रेंज में आपको मिल जाएगा ये वाला, एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप ये परफ्यूम बाय करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे ही नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा ये अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट है परफ्यूमर्ट के नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप इजीली बाय कर सकते हैं। अगर आप ये परफ्यूम चेक करना चाहते हैं कि ये परफ्यूम कैसा है कैसा नहीं, कि जैसा मैं बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली वैसा ही है, ये थोड़ा चेंज है, तो आप हमारी शॉप है परफ्यूमर्ट के नाम से इम्पोरियम मॉल में, वहाँ विजिट कर सकते हैं, ये परफ्यूम चेक कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो अगर आप भी किसी परफ्यूम का रिव्यू जानना चाहते हैं, जितने भी मिडिल ईस्टर्न ब्रांड है, लताफा, अरमाफ, अंबर, सासी, इनमें से, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।